आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। तो आपने कुल्हड़ वाली चाय तो सुनी होगी, पर क्या आपने कुल्हड़ वाली कॉफी सुनी है? नहीं सुनी तो चलिए आपको उस जगह लेके चलते हैं जहाँ पे कुल्हड़ वाली कॉफी मिलती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड, और ये रहा चर्च कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपको कुल्हड़ वाली कॉफी मिल जाएगी। बिग शॉप के जस्ट नीचे कृष्णा रेस्टोरेंट है, एंड यू कैन स्पॉट दिस प्लेस बिसाइड कृष्णा। रांची में पहली बार ये कॉन्सेप्ट आई है कुल्हड़ कॉफी वाली, और यहाँ अच्छी हाइजीन भी मेंटेन हो रही है। कुल्हड़ कॉफी के साथ आप लेमन ग्रीन टी का भी मजा ले सकते हो। इनफैक्ट यहाँ की खजूर मिल्क बहुत ही फेमस है, और अभी कोरोना टाइम में यहाँ काढ़ा भी आपको मिलेगा ओनली एट 20 रुपीज। चलिए देखते हैं यहाँ कुल्हड़ वाली कॉफी बनती कैसे है। यहाँ सब कुछ बहुत ही A1 क्वालिटी का है। आप देख सकते हो कि मिल्क भी अमूल मिल्क है, विच इज रियली गुड, और बहुत ज्यादा हाइजीन का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। आफ्टर पोरिंग मिल्क, नाउ ही इज यूजिंग कॉफी। Then he added some sugar to it. इसके बाद कुल्हड़ यानी कि क्ले पॉट्स को वॉश किया जाता है ताकि उसके जो पोर्स है वो ओपन हो जाए और कॉफी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज्यादा इन्हांस्ड हो जाए। यहाँ काफी सारे स्नैक्स आइटम है, सच एज मसाला स्वीट कॉर्न, नैचोस और बहुत सारे आइटम्स। और अब ये बन रही है हमारी क्रीमी कुल्हड़ कॉफी। कुल्हड़ और कॉफी का जो एरोमा होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है कि कुल्हड़ में भी कॉफी मिलती है, एंड एट अ रीजनेबल प्राइस। यहाँ सिर्फ मुझे 40 रुपीज पे करने पड़े एक कप के। यहाँ की कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है, डोंट यू थिंक सो? नेक्स्ट ही एडेड चॉकलेट पाउडर एंड हर्षी सिरप। और ये रेडी हो गई हमारी कुल्हड़ वाली कॉफी। काफी फ्रोथी एंड क्रीमी है ये कॉफी, आप आराम से इसे खा भी सकते हो। बाय द वे, अगर आपका मन कर रहा है कि आप इस कॉफी को पार्सल करा लो, तो दे प्रोवाइड यू अ फ्लास्क जिसमें कि जो कॉफी की गर्माहट होती है ना वो 40 मिनट्स तक सस्टेन कर सकती है। सो यू कैन अवेल दिस सर्विस एज वेल। मुझे तो यहाँ की कुल्हड़ वाली कॉफी बहुत ही पसंद आई, तो आप भी आओ और मजे लो यहाँ की कुल्हड़ वाली कॉफी की। तो दोस्तों, अब इसी नोट के साथ मैं अपना वीडियो एंड करने जा रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। विच जेन्युइनली मीन्स वर्ल्ड टू मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।